और कानपुर के संजीत हत्याकांड के को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। संजीत के गुनहगारों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। कानपुर का संजीत अपहरण कांड का जो मामला है, पुलिस ने 7 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा दिया है। रामजी शुक्ला को गैंग लीडर बनाया गया है। बर्रा थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि संजीत का अपहरण हुआ था, उसके बाद हत्या की बात सामने आई थी। हालांकि पुलिस शव बरामद नहीं कर पाई थी, लेकिन इस पूरे मामले में अब गैंगस्टर एक्ट पुलिस ने लगा दिया है। तो कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट यह सामने आ रहा है कि पुलिस ने 7 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। रामजी शुक्ला को गैंग लीडर बनाया गया है और काफी चर्चा में यह मामला था। बिकरू कांड के बाद बर्रा का संजीत यादव अपहरण कांड, जिसमें राजनीति भी खूब हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता संजीत यादव के घर गए थे, लेकिन संजीत अपहरण कांड में पुलिस की कई स्तर पर लापरवाहियां सामने आई थी। हमारे साथ रतीश जुड़ गए हैं। रतीश, ये जो पूरा कांड था, इसमें पुलिस की हर कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही, क्या चार्जशीट दाखिल हो गई या फिर ये गैंगस्टर भी केवल लगाया गया है? देखिए, कानपुर के अगर संजीत अपहरण हत्याकांड की माने तो काफी ज्यादा पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आई थी और पुलिस पर सवाल उठे थे कि पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठते हुए साफ तौर पर यह निकल के आया था कि पुलिस अगर चाहती तो संजीत को हत्याकांड से पहले ही बरामद किया जा सकता था, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते ही उसकी हत्या हुई और उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा सरगर्मी में भी रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार की काफी कैदरी हुई थी। फिलहाल अगर बात की जाए तो पुलिस ने 7 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा दिया है, जिसमें रामजी शुक्ला जो है वो गैंग का लीडर बताया गया है। बर्रा थाना पुलिस ने इस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और पुलिस का जो ये कहा जा सकता है कि पुलिस की छवि काफी ज्यादा खराब हुई थी, उसको एक कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस की जो छवि खराब हुई थी उसको कहीं ना कहीं से सुधारा जा सके। लेकिन कानपुर के संजीत हत्याकांड ने पुलिस की छवि को काफी ज्यादा खराब किया था। अब फिलहाल गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और आगे आने वाले दिनों में जो कुछ और लोग बचे हुए हैं, पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।